Welcome to my channel Competition Well. आज हमारे सामने IIT Roper से शुभम गर्ग जी बैठे हुए हैं, जो हमको IIT Roper के बारे में just like facilities, hostels, mess, campus area कैसा है, सबके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे. So welcome sir. Welcome. Thank you so much for inviting me. तो सर हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने IIT Roper को ही क्यों चूज किया था? IIT Roper जिस हिसाब से मेरा रैंक था IIT एग्जाम में, मेरा रैंक था 243 और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर देखा कि मुझे कौन कौन से IIT मिल सकते हैं और उस IIT में मैंने देखा कि कौन सा IIT मतलब कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें लाई कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे रोपड़ ही सही लगा. मेरा इंटरेस्ट था प्योर मैथमेटिक्स में, मतलब उसी में मतलब काम करना चाहता था उसमें, तो मैंने फिर मतलब कि फिर उसी को प्रेफरेंस दी और फिर मैंने पहले नंबर पर रोपड़ को ही रखा था और वो मुझे इजीली मिल गया था. जी तो सर आप बताइए कि IIT Roper की फैसिलिटीज कैसी हैं, लाइक हॉस्टल मेस वगैरह? हॉस्टल जब मैं गया था वहाँ तो वहाँ पर तब तक नई न्यू IIT जो न्यू बिल्डिंग है वो रेडी हो रही थी, हमें वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया था, हमें दूसरे ट्रांजिट कैंपस में रखा गया था, लेकिन वहाँ भी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी और लास्ट का वन ईयर मैंने न्यू कैंपस में ही स्पेंड किया है. वहाँ पर हॉस्टल वगैरह बहुत अच्छे हैं, मतलब मान लीजिए कि एक हॉस्टल काफ़ी बड़ा है, मतलब एच की सेप में ही हॉस्टल बना हुआ है और क्या है कि सिंगल रूम में MSc या BTech सेकेंड ईयर से ही सबको सिंगल रूम अलॉटेड होते हैं और पूरा बहुत वेल फर्निश्ड फर्नीचर भी मिलता है और हॉस्टल इतना बड़ा है, मान लो कि ये सिंगल रूम है और ये मान लो कि 450 प्लस रूम है एक हॉस्टल, तो फोर फ्लोर पे काफी अच्छा फैसिलिटीज है वहां पर, मतलब हॉस्टल्स वगैरह काफी अच्छे बने हुए हैं. हां बहुत अच्छा है बना हुआ है. और सर मेस वगैरह में कैसा है? मेस भी मतलब पास ही था हॉस्टल के, होटल के बहुत पास है मेस और खाना भी अच्छा ही था, मतलब खाना एवरेज जैसा होता है वैसा ही था खाना, बाकी डाइनिंग हॉल वैसे बहुत खूबसूरत बना हुआ है देखने लायक है. जी सर. और वहाँ की मतलब जैसे IIT Roper की प्लेसमेंट कैसी है, अगर बच्चे उसको चूज करें तो बच्चे होते हैं प्लेसमेंट देख के ही IIT को सेलेक्ट करते हैं, तो प्लेसमेंट बताइए सर कैसी है वहाँ की? प्लेसमेंट मैं कहूँगा अगर हम BTech की बात करें और स्पेशली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ही बात करें तो वहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है. मतलब अभी भी मैंने लास्ट रिसेंटली कल ही पढ़ा मैंने कि 2021 जो बैच है उनकी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 100% प्लेसमेंट है एंड मैक्सिमम पैकेज जो भी है वो 19 लाख का मैंने देखा कल और AI में भी 15 लाख का एक पैकेज गया है वहाँ हाईएस्ट और इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी अच्छे मतलब BTech की काफ़ी प्लेसमेंट है. और बात रहे MSc की तो MSc में जैसे मेरे 4 फ्रेंड्स थे जिस मतलब एक ऑप्शन था कि MSc के बाद 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने MTech को चूज़ किया, वहाँ से फिर उन्होंने MTech किया और वहाँ से वो बहुत अच्छा प्लेस है, 128 लाख का पैकेज है एक फ्रेंड का और एक फ्रेंड का 22 लाख का पैकेज है. और इसी तरह 2 लड़कियां और थी जो मतलब कि उसी टाइम प्लेस हुई थी MSc में ही, MSc करते हुए, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 20 स्टूडेंट हम 4 स्टूडेंट प्लेस हुए थे वहाँ पर, बाकी जो इंटरेस्टेड नहीं थे जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं था तो मैंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था उसमें, पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम ही रहता है लेकिन जितना रहता है ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारा, प्लेसमेंट भी सही रहा. और बाकी सर IIT Roper की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसे हैं? स्पोर्ट्स के लिए मान लीजिए कि पूरा IIT का जो कैंपस है वो 4 फेजेस में डिवाइड है, उसमें से पूरा 1 फेज उन्होंने पूरा ही पूरा स्पोर्ट्स उसको ही दे रखा है, मतलब कि वहाँ फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा बना हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड बहुत अच्छा है और भी सब ग्राउंड्स बने हुए हैं, हॉस्टल के पास भी आपको मतलब खेलने के लिए मतलब काफ़ी कुछ है वहाँ पर, मतलब कि बहुत सही है और ओवरऑल बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत ठीक है मतलब. और जस्ट लाइक जैसे IITs में जाते हैं सीनियर हेल्प वगैरह कैसी है वहाँ की? सीनियर हेल्प जैसे हमारा कैंपस था जो मैं मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा इस पर क्योंकि हमारा कैंपस था जो ट्रांजिट कैंपस वन था, ट्रांजिट कैंपस 2 में हम रहते थे और 1 में सीनियर्स रहते थे तो हमारा ज़्यादा इंट्रैक्शन हुआ नहीं था, लेकिन जितना भी हुआ था बहुत हेल्पफुल थे वो लोग, मतलब कि सामने से वो जो भी कोई भी हमारा टॉपिक हो गया हमें कुछ भी पूछना हो मतलब कि किसी रिगार्डिंग हमारी पढ़ाई के कोई डिफिकल्टीज है तो वो हमेशा हेल्प करते थे, मतलब बताते थे कि क्या हम कर सकते हैं जिससे भी हम पूछते थे, मतलब जस्ट लाइक अ स्टूडेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सीनियर हेल्प करते. और जब हम सीनियर बने तो हमने भी पूरा मतलब कि पार्टिसिपेट किया, अगर किसी ने मतलब हेल्प मांगी तो हमने कोशिश की कि हम अच्छे से उनकी हेल्प करें.
मतलब हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग है, मतलब रैगिंग वैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उससे तो आप सेफ हो बिल्कुल। और सर स्टूडेंट लाइफ लाइक इवेंट कैसे कैसे होते हैं वहाँ पे? स्टूडेंट लाइफ तो मैं यही कहूँगा कि इवेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं वहाँ पे। जाइट गेस्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है वहाँ का, मतलब कि एक मान लो IIT का फेस्ट है वो, IIT रोपड़ का, जो 3 to 4 days चलता है। और इसके अलावा भी आरोग्या ने ऐसे काफ़ी कुछ मतलब फेस्ट हुए थे, मतलब मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया कभी, लेकिन मैंने देखा है तो काफ़ी अच्छे फेस्ट होते थे। और उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट लाइफ देखेंगे, अगर आप पढ़ाई के मामले में देखेंगे, तो मान लीजिए कि आपको ठीक है, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको खुद से थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइब्रेरी में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं सारा दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आप रूम पर पढ़ सकते हैं सारा दिन, पूरी फैसिलिटीज़ है, वाईफाई का पूरा सुविधा है हर जगह, पूरे कैंपस में कहीं भी आप जाओगे सब जगह वाईफाई लगा हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, अगर आप खुद से डेवलप करना चाहते हैं तो सच में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, मतलब ओवरऑल जो IIT रोपर है, अगर कोई स्टूडेंट उसके लिए मतलब इच्छुक है तो बेस्ट है, अगर सही है। और मैं जैसे मैथमेटिक्स से हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप प्योर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत टीचर है प्योर मैथमेटिक्स के। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो अप्लाइड के लिए भी वहाँ बहुत टीचर है, और 3 to 4 टीचर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं डाटा साइंस में या फाइनेंशियल में अपना काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो वहाँ भी 2 to 3 टीचर वहाँ है जो मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब ओवरऑल सब फील्ड के टीचर वहाँ है, मतलब काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए आप अपनी तरफ से एक हमारे व्यूवर्स को कुछ अपनी पर्सनल राय देना चाहते हैं IIT रोपर्स के लिए, तो सर प्लीज़ प्रोवाइड करें। IIT रोपड़ तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मिलता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, मतलब कि बहुत ठीक रहेगा आपके लिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और जब बाहर आओगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप मानोगे कि हाँ आपने सीखा है, सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर जाइए IIT रोपड़। चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक, Thank you. And best of luck for your channel. Thank you.